जी अस्सलाम वालेकुम। ये मियाँ वाली सी आई है जी पीसीबी, तो इसे खोल के देखते हैं इसमें कौन सी और क्या मसला उन्होंने लेके भेजा है इसका। तो ये खोलते हैं अभी हम इसे। हाँ ये पीसीबी आई है, इसमें E7 के एरर में भेजी थी उन्होंने। तो इसे ऑन, सबसे पहले हम ऑन करके देखते हैं कि इसका SMPS सप्लाई ठीक है या नहीं, या क्या मसला है इसको। ये अभी हम इसको करते हैं ऑन। ये रिएक्टर इसको लगाना पड़ेगा जी। ये पीसीबी का नंबर भी होता है, ये भी देख लें, ये इसमें लिखा होता है, ये वाला नंबर देखें, ये लिखा हुआ नंबर इसका। ये रिएक्टर मैंने लगा दिया, अब इसे लगाते हैं लाइन मेन वाली। तो मैं इसको अब देता हूँ वोल्टेज यहाँ से। ये देखें, ये एल वाली होती है इसकी, और ये इसकी एन वाली, सास वाली जो होती है वो उसकी कम्युनिकेशन की होती है। तो ये मैं अब इसको लगा देता हूँ इधर। तो अब इसके जो नीचे देखना है कि आपने, ये दो लाइटें इसकी लगी होती हैं, ये देख सकते हैं आप, कहीं से रिपेयर नहीं हुई हुई पहले, बिल्कुल जेन्युइन पीसीबी है ये। एक इसमें ये देखें, ये लैट होती है जो SMPS सप्लाई की जो कवरेज करती है, हमें बताती है कि ठीक है। तो इसमें आप पहले ये वाली लाइट और ये दूसरी लाइट, इसके साथ आपको वो भी नज़र आ रही होगी, दो लाइटें इसकी हैं। तो अब देखते हैं कि अगर इसमें SMPS सप्लाई में मसला है या नहीं। ये देखें, ये लाइट इसकी पावर वाली, ये कैपेसिटर वाली लाइट रोशन हो गई। ये वाली लाइट जो है, जो आपको ब्लिंक करके ये बताती है कि इसमें कौन सा एरर है, क्या मसला है। ये देखें, ये दोनों लाइटें, ये वाली दोनों लाइटें ये है ऑन हो चुकी हैं, और रिले भी इसकी ऑन हो गई है। तो लिहाजा इसको करते हैं अब ऑफ हम। तो इसमें हमें ये पता चल गया है कि इसकी SMPS सप्लाई की कोई इशू नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, इसकी सप्लाई ठीक है। तो इसमें अब यहाँ पे अब ये करेंगे हम डिस्चार्ज इसे। तो ये डिस्चार्ज हो गई। अब इसकी बाकी चेकिंग शुरू करते हैं कि इसमें जो एरर आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, क्यों इसमें एरर जो है वो क्यों आ रहा है इसमें। तो इसमें अगर ये इसमें कपलर लगे होते हैं, ये वाले, ये डायोड, ये इसकी कम्युनिकेशन लाइन, ये है इसकी मुकम्मल है ये। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये कम्युनिकेशन है, ये सारी चेक करनी पड़ेगी कि इसमें कम्युनिकेशन का क्या मसला हो गया या क्या नहीं इसमें। तो अभी देखते हैं, अब इसको हम तो ये इसकी रजिस्टेंस से पहले चेक कर लेता हूँ मैं, तो जो ख़राब हुई आपको भी दिखाते हैं अभी। तो ये सारी ठीक है, उसके बाद ये डायोड देखें, ये वाला डायोड मोड पे करते हैं इसको। तो ये दिखाएं, ये दोनों तरफ से ये हमें शो कुछ नहीं कर रहा है, ये वाला डायोड जो है ये बिल्कुल शो नहीं कर रहा, ये ख़राब है। तो अब मैं इसको, ये देख सकते हैं आप, जूमिंग करके दिखा दें, ये देखें, ये इसका जो है डेड हो चुका है, ये वाला जो डायोड है, ये वाला, ये देखें कि ये हमारा डेड है। तो अब इसे करते हैं अब चेंज। तो चेंज कर देते हैं, तो PCB जो है वो E7 के एरर में जो है वो हमारी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम इसको चला के भी देख लेंगे, चेक टेस्ट भी कर लेंगे, लेकिन पहले ये चेंज करते हैं। तो अब मैंने इसका, ये देखें, चेंज करके इसका पूरी कम्युनिकेशन जिसके साथ कर दी है, ये देख सकते हैं आप, मुकम्मल ये कम्युनिकेशन इसकी मुकम्मल हो चुकी है। और इसके साथ साथ ये देख लें कि ये इसका पड़ा है डायोड जो मैंने अभी कर दिया इसका चेंज, ये वाला, ये चेंज हो चुका है, ये देख सकते हैं आप इसको। तो कैमरा हमें दिखा सकते हैं हमारा, तो ये देखें, ठीक है जी, ये चेंज कर दिया हमने इसका। तो इसको रखते हैं इधर अब। तो ये पूरा इसके साथ, ये आप देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन मैंने कर दी है, और ये मोटर भी इसकी जो है ये चल पड़ी है इंडोर वाली। तो अभी ये कंप्रेसर जो ही ऑन होता है, तो अभी थोड़ी देर में कंप्रेसर भी इसका जो है ये ऑन हो जाएगा, अगर कोई एरर वगैरह हुआ तो वो शो हो जाएगा इसमें। तो ये देख सकते हैं आप कि ये लाइट जो है इसकी, ये मुसलसल ब्लिंक कर रही है ये, और ओके ब्लिंक है, तो कंप्रेसर इसका लाजमी हर सूरत चलेगा, ठीक है जी, ये देख सकते हैं आप अब।
तो ये कंप्रेसर इसका जी ऑन हो गया जी। ये 7 में आई थी ये, आपने देखा कि इसमें सब कुछ ठीक था। इसका जो ड्राइवर था ये जला हुआ था, ये इसके ओके हो चुकी है E7 के अंदर में। तो अब इसे आप देख सकते हैं कि छोटा सा फॉल्ट था जो हमने चेंज इसका E7 के एरर में किया, तो ये ओके हो गई पीसी भी, इसके RPM भी पूरे हैं। तो इस वीडियो देखने का शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का भाई आपको सबका। तो जो आपने वीडियो देखी, तो खुदा हाफिज़।